नहीं है। जो क्राइम है वो सॉल्व होनी चाहिए और सही तरीके से सॉल्व होना चाहिए, और किसी निर्दोष को पकड़ना भी नहीं चाहिए, ये भी गलत है। कई बार यूपी पुलिस क्या करती है, किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़ के वो कहती है कि हमने सॉल्व कर दिया, ये भी गलत है। अगर आप एक निर्दोष व्यक्ति को सजा देंगे तो उससे और 99 और अपराधी पैदा होंगे। तो अपराध का सही सही विवेचना होनी चाहिए, सही लोगों को सजा मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उत्तराखंड के ACS होम का बयान देखा और सुना है। ACS गृह उत्तराखंड ने बगैर तथ्यों की जानकारी किए एक गैर जिम्मेदाराना बयान जारी किया है। किसी भी सिविल सर्वेंट को ऐसे बयानों से बचना चाहिए, विशेषकर जबकि वो देश के सबसे बड़े राज्य तथा सबसे संवेदनशील राज्य से जुड़ा मुद्दा है। ये बयान खेदजनक है और तथ्यों के पे आधारित नहीं है। क्या ACS होम को मुख्तार अंसारी एवं विजय मिश्रा, जिनके माननीय न्यायालयों ने सजा दी है, निर्दोष लगते हैं? क्या जफर, जो कि एक खनन माफिया है तथा पूर्व से ही जिसपे 1,00,000 का इनाम था तथा वो वांछित चल रहा था, या उधम सिंह नगर का रहने वाला ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख निर्दोष लगते हैं? पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पूरे देश में अपराध और अपराधियों के प्रति कार्रवाई करके एक नजीर प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में इस तरह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने PFI, जो एक प्रतिबंधित संस्था है, इसके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तराखंड सरकार से यह मांग करती है कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान तथा तथ्यहीन बयानों पर तत्काल रोक लगाई जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अथक प्रयासों के बाद महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, उनके अपराधियों के प्रति, सभी तरह के माफियाओं के विरुद्ध तथा शातिर अपराधियों के विरुद्ध